मकासा आज पहली बार ट्रेन में आया है। बोल यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल लग गया है। ये चीटिंग नहीं करनी है, ऐसे थोड़ी मजा। अम्मी अब टेंशन फ्री है क्योंकि सुबह से काम करी। तो गाइस बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग व्लॉग, तो लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो अभी आप लोग गेस करो क्या लगता है आप लोगों को हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोगों की पैकिंग जो है वो शुरू है। देखो आप लोग, और ये ट्रिप हमारी बहुत ही जल्दी भी प्लान हुई है जिसकी वजह से हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। समझ लो शॉपिंग भी मैंने कल की, कल रात को, और मैं घर आई हूँ उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला जो मैं ब्लॉग भी बनाती। मैं सोचा ठीक है कल स्टार्ट करूंगी, और अभी भी मैं रेडी ही हो रही हूँ। अभी यहाँ पे पीछे आपको शोर भी आ रहा होगा बहुत, मैं नहा कर आ गई हूँ, मेरे बाल भी गीले हैं, सारी सूख जाए तो फिर मैं अभी सारा सामान भी रखना है, मुझे लेंस रखना है अपना, कपड़े तो सारे रख लिए मैंने अभी, मुझे मतलब कि समझ लो यार ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। और हाँ, जैसे कि मकासा भी साथ है हमारे, तो मकासा भी साथ ही जाएगा क्योंकि घर पे सिर्फ पापा रुक रहे हैं, तो बाकी हम लोग सब लोग जा ही रहे हैं। मकासा जो है वो साथ जाएगा। ये है मकासा का आउटफिट है। तो मकासा की जो है टिकट भी बनी है क्योंकि वो बिना टिकट के नहीं जा सकता था, और ये चीज हमें पता नहीं थी, और आज के आज उसकी टिकट बनी है हमारे साथ। वो भी बहुत सारी वो करने के बाद, मतलब डॉक्यूमेंट्स और ये सब करने के बाद बहुत कुछ हुआ, हमें पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें। तो अभी मकासा का टिकट आ रहा है। जब तक अभी आप लोग रूम की हालत देखो, ये कुछ ऐसी हो रही है। तो बस अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं आउटफिट क्या पहन रही हूँ आज। ये पहन रही हूँ मैं आज क्योंकि मैंने कल लिया है। चलो मैं जल्दी से अब ये पहन कर आती हूँ। मैं आ गई हूँ रेडी होके, और अभी मैं रेडी हो तो चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा आउटफिट है और जिसमें मैंने चेंज किया ये अपना ट्राउजर जो कि बड़ा साइज आ गया था जो मैंने कर लिया था। हम लोग ट्रेन की टाइमिंग से बहुत पहले जा रहे हैं क्योंकि मकासा का कुछ काम करवाना है। मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं, मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा शायद। हे गाइस, तो आपको मैं अपनी सुंदरता वाला चेहरा बहुत टाइम से नहीं दिखा रही थी। यहाँ पे दूसरी सुंदरी भी है, सुंदरी के बाल अच्छे नहीं लग रहे अभी। अभी मैं बहुत सारी सुंदरी बिजी चल रही हूँ, मैं अभी इतनी बिजी चल रही हूँ कि आज से ज्यादा बिजी मैं कभी हुई नहीं थी। अभी मैं इतना काम है कि मतलब कि कुछ नहीं, मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाया। मैंने बोल दिया अपनी सेक्रेटरी को, पीए को। उस दिन की लेती, अगर आपने हमारी चैलेंज वीडियो नहीं देखी समरीन की वीआईपी वाली तो जल्दी जाओ और देखो, बहुत मजा आया। तो ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपनी सेल्फी स्टिक लेकर जाएं। यहाँ पे मकासा सो रहा है, जाने से पहले नींद ले रहा है अपनी क्योंकि ट्रेन में बहुत खेलेगा कूदेगा। तो अभी चलो उसको उठाए, उठ रहा है, देखो उठ गया। इसमें मेरे कपड़े हैं और इसमें मेरा मेकअप का सामान है, कुछ भी, ये कुछ भी बोलती है। उठाओ मकासा को। ये है मकासा का ट्रैवलिंग बैग जिसमें वो बैठकर बिल्कुल रेडी है बाहर जाने के लिए। तो बस अब हम लोग घर से निकल रहे हैं और जल्दी से निकलते हैं। चलो आ जाओ, अभी मैं सबसे पहले नीचे जा रही हूं ताकि मुझे सामान देखना है। हम लोग आ गए अभी ट्रेन में फाइनली, और ट्रेन में हमारे साथ है मकासा भी जो कि बहुत एक्साइटेड हो रहा है हर चीज देख देख कर। उसको भागना है, खेलना है, सब कुछ करना है। यहाँ पे देखो बैठा हुआ है ये। अभी पापा चले गए यहाँ से और सब लोग चले गए हैं, अब हम लोग अकेले हो गए हैं। हम चार लोगों का ये पूरा ट्रेन है, दिखाओ। तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि क्या क्या है हमारे ट्रेन में। और ये ट्रेन है तेजस राजधानी और ये है फर्स्ट क्लास। और मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी फैमिली होती है और कोई एक्स्ट्रा कोई भी नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ हम लोग हैं, मतलब और सेफ भी बहुत है। और मकासा को देखो ये कहाँ कहाँ जाकर छुप रहा है, इसको छुपने वाली जगह बहुत पसंद है, हाइड एंड सीक खेलता है हमारे साथ। देखो ये छोटी छोटी जगह यहाँ पर जाकर ये छुपेगा अभी। मकासा आज पहली बार ट्रेन में आया है, बहुत अलग लग रहा है। और ये छोटा सा बच्चा है तो इसके लिए टॉयज भी हमें निकालने पड़ेंगे, तो जल्दी से इसमें से टॉयज निकाल देते हैं, उसके बाहर रख देते हैं और ये अब खेलेगा कूदेगा अपना। कहाँ गया?
आगे। अरे मकासा खो गया, मकासा ट्रेन में खो गया। Oh my God, पकड़ो मकासा को, ढूंढो यार। चाय लेकर आ गए, हम लोग खाने का भी नहीं पता था, खाना भी लेकर आ गए, खाना मुझे करना पड़ गया, यही तो मैं बोल रही थी। यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल लग गया है, फिर यहाँ पे हमारा खाना आएगा। और अंकल बोले थे कि चाय क्यों लेकर आए, लेकिन अम्मी सुबह से जो है सारा कुछ बना रही थी ना कुछ। ये हम किसी गांव में आ गए हैं, दिल्ली से थोड़ा आगे, अभी शायद दिल्ली में ही हम लोग, वैसे घर से कुछ दूर चल के जा रहे हैं हम, पता नहीं कौन सी जगह, जो कि अभी हम आपको नहीं बताएंगे। अभी हमारे लिए कुछ खाने के लिए आया है, जो कि है हमारा स्नैक्स, और अभी शाम को तो स्नैक दिया है। हमें मिला समोसे, टी किट और सोन केक, सोन पापड़ी वाला केक, फ्रूटी, ये पोहा टाइप कुछ है, ये है ड्राई फ्रूट्स। चलो खाते हैं इसको। अभी हम थोड़े दिल्ली से आगे आ चुके हैं, दादरी आ गए हैं हम, एक स्टेशन है यहाँ पे दादरी। तो हम दादरी में जब कोई हम लोगों के घर पे आता था, तो मैं उनका ट्रेन स्टेटस चेक करती थी और फिर सबको बताती थी, अच्छा हाँ अभी दादरी पहुंची, दादरी। फिर ऐसी बहुत सारी जगह है यहाँ पे जो कि आती रहेंगे, अभी तो बहुत लंबा सफर है हमारा। दादा तो स्टेशन का नाम मैं करके दिखा, स्टेशन दिखा। हाँ अभी स्टेशन मैं आपको स्टेशन दिखाती हूँ, यहीं से देख लो ऐसे, ये देखो ये स्टेशन है कोई सा। अभी हम जो निकले हैं तो हम सीधा पहुँचेंगे सुबह के कितने बजे, चार बजे पहुंच जाएंगे, पाँच बजे निकल चुके हैं, चार बजे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हम वहां पहुंच जाएंगे वैसे ही बता देंगे हम कहाँ हैं। हाँ पहुंचते ही बताएंगे, तो ब्लॉग आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ट्रेन किस स्पीड में चल रही है, कितने की स्पीड है, 129 किलोमीटर पर आवर भाग रही है बिल्कुल ट्रेन। वॉकिंग एरिया था और बहुत ही मतलब अच्छा सा है, खुला हुआ, और इस वाले जिसमें हम अभी बैठे हैं, हम लोग चार है तो हमें चार वाला मिला है, बाकी दो होते तो दो वाला मिलता, ये एक दो तीन और यहाँ पर चार। नींद भी आ रही है तो अभी हम लोग थोड़ा आराम भी करेंगे यहाँ पे। मिरर भी दिया है मुझे ताकि मैं मिरर सेल्फी ले सकूँ, लेकिन बड़ा वाला देना चाहिए था थोड़ा सा, वैसे अच्छा है। तो समरीन का दिमाग इतना गोबर भरा है, तो मैं इसलिए मैं इससे एक इसके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। हाँ। तो इसको ना पता नहीं है कि हमारा कैबिन कौन सा है, क्योंकि तो सारे एक जैसे दिखते हैं, कोई नंबर वंबर भी नहीं पता। हाँ, तो तुम्हें चैलेंज मिल रहा है कि तुम अपने कैबिन को ढूंढ के दिखाओ। मैं भी ढूंढ लूंगी, चलो अभी ढूंढ। तुम्हें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स, और उसके अंदर तुम्हें ढूंढ के निकालना है। यार इतने कम टाइम में मैं कैसे ढूंढूंगी। समरीन तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है, ये चीटिंग नहीं करनी, ऐसे थोड़ी पहचाना है, कहीं और मत जाना। किसी और का है? ये वाला होगा फिर, ये भी किसी और का, पागल कौन सा मेरा, मैं तो मैं खो गई मैं अपनी ट्रेन में, मुझे नहीं समझ आ रहा। कहीं और मत घुस जाना, बेइज्जती मत कराना मेरी। और ये किसी तुम्हारा टाइम खत्म होता है, जो हमारा जो है वो ये वाला है। मैं भी खो गई, मैं खो गए थे यार। देखा आपने समरीन का दिमाग कितना गोबर भरा है, इतनी बेशरमी खोल के देख रही। यहाँ पे दो बिल्ला सो रहे हैं और ट्विनिंग, ओह माय गॉड, पिंक व्हाइट पिंक मकासा बॉय है, लेकिन उसको पिंक कलर बहुत पसंद है, वो हम उसको पसंद नहीं है, उसको हम लोग जबरदस्ती दिलवाते हैं। मकासा का जो पिंक ब्लैंकेट है वो इसको इतना पसंद है क्योंकि जब वो छोटा सा आया था तब से उसके पास है, और कभी भी वो कहीं पे नहीं सोता, उसको यही चाहिए, वहीं पर नींद लेता है वो अपनी, इतना ज्यादा उसको पसंद है, तो उसको भी अब पिंक कलर पसंद आने लगा है। और वैसे तो बॉय ऐसे भी ब्लू भी पसंद, सारे कलर पसंद है, लेकिन अट्रैक्टिव कलर ज्यादा पसंद, जैसे कि रेड, रेड पे बिल्कुल वो ऐसे जाता है। अम्मी अब टेंशन फ्री है क्योंकि सुबह से काम करी थी, सुबह से खाना बना रही थी बहुत ज्यादा, बहुत। अम्मी जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक बोलती कि नहीं अभी मुझे आराम नहीं मिला, जब तक मैं बैठ ना जाऊँ, ट्रेन चल ना जाए। और यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रही है अपनी एक ट्रेन वाली, सबसे मजे वाला चैलेंज है जो कि ट्रेन में ही हो रहा है, और बाकी मुझे वहाँ जाकर भी शूट करना है अपना बहुत सारा, कि मैं प्री शूट मैंने किया नहीं है अभी, मुझे बहुत सारे काम है। हाँ एकदम से जा रहे हैं हम लोग। अभी हो गई है रात और अभी हम लोगों ने सूप पिया, अभी मकासा थोड़ी सी शैतानी पे लगा है, उठा है सोकर, तो ये थोड़ा बहुत शैतानी कर रहा है, यहाँ पर खेल भी रहा है, ये देखो ये खेल रहा है थोड़ा बहुत। और अभी ट्रेन हमारी चली रही है, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है शायद अभी फिरोजाबाद, और मैं तो देख ही रही हूँ कहाँ कहाँ पहुंच रही है, देखो अभी बहुत तेज है ट्रेन की रफ्तार, बहुत तेज है, बिल्कुल छुक 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 छुक। ये वाली ट्रेन कहीं रुकती नहीं है।
ये ट्रेन कहीं नहीं रुकती, जहाँ पे हम बैठे हैं तो अभी सीधा ये 11 बजे रात को रुकेगी, कानपुर में रुकेगी। इसका नेक्स्ट जो स्टॉपेज है वो है सीधा हमारी डेस्टिनेशन पे। जो लोग हमें लेने आएंगे उनको भी हमने बता दिया कि कहाँ पे आना है, सारा कुछ पता चल गया है। अब बस हमें इंतजार है कि हम जल्दी से पहुँच जाए। मैं थोड़ी देर सोकर भी अभी उठी गई, और ये देखो ये भी इधर सो रही है। मकासा अभी खेल रहा है अपना अच्छे से बिल्कुल, ऐसे ही खेलता है हमेशा। ये घर बना लिया है मकासा ने अपने ट्रेन को। मकासा अभी कुछ कर रहा है, शायद निकल जाएगा, निकल गया, फ्रेश होकर निकला है ये। Many hours later. अभी हम लोग पहुंचे हैं कानपुर। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बहुत ही नींद आ गई थी। ये बच्चा तो आज बिल्कुल शांति से सो रहा है, खाता है, सोता है। ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी को तंग नहीं करना है, बिल्कुल शांति। आज खेलने के लिए भी नहीं कर रहा, घर पे खेलने के लिए हम लोगों को बोलता है कि खेलो मेरे साथ, लेकिन नहीं खेल रहा। चलो हम लोग थोड़ा बाहर घूम लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा डिनर आया है, जो कि अभी हमें नहीं पता कि क्या है, दो वेज और दो नॉन वेज, दो के अभी हम दिखाएंगे आपको। और मकासा यहाँ पे उठ के देख रहा है। यहाँ पे चल रही है एक वीडियो की एडिटिंग, और अम्मी आराम कर रही है अभी। और अम्मी क्या हो रहा है, जल्दी से पहुँचना है बस। और ये देखो पूरा ट्रेन हमारा, मैं आपको ट्रेन टूर देना भूल गई, तो मैं आपको अभी ऐसे जल्दी में दिखा देती हूँ कि ये है पूरे चार सीट्स। यहाँ तो एडिटिंग चल रही है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, और मैंने पावर बैंक लगा रखा है फोन में। अभी रात के 11 बज चुके हैं और मुझे आ रही है नींद, तो अब मैं जा रही लेटने। और हम लोग बना रहे अपना बेड, तो अभी चलो अभी हम लोग अपना बेड बना लेते, फिर मैं आपको मिलती हूँ। और मैंने अपना हाथ बहुत ऊंचा कर रखा है, इतना लंबा हाथ है। अभी मैं आपको मिल रही हूँ सुबह के 4 बजे, पहुंचने वाले हैं हम बस अपनी डेस्टिनेशन पे। मकासा भी सोकर उठ गया है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, इसकी पहली ट्रिप है। बचपन से जब से पैदा हुआ इसके बाद ये सबसे पहले अपने घर से, हमारे घर से वही निकल रहा है जहाँ जा रहा है आज। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत थकान है, बस घर जाके होना है। अब मकासा से पूछते हैं कि मकासा को कैसा लग रहा है। बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। कल मैंने दोपहर 1 बजे ये मेकअप किया था, और आज के सुबह के 4 बज रहे हैं, और मेरा मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, क्योंकि मैंने एक पाउडर यूज किया था जो कि बहुत ही अच्छा है। एक न्यू पाउडर मैंने लिया था और हटा ही नहीं कुछ भी, मैं सोकर उठ चुकी हूँ। और मैंने सोचा लाइनिंग भी नहीं आई है कुछ नहीं, अब मैं घर जाकर ही रिमूव करूंगी, जब तक थोड़ा ठीक लग जाऊँ। तो गाइस बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर थोड़ी ठंड है जिसकी वजह से मुझे पहननी पड़ी जैकेट। अभी नहीं लग रही लेकिन फिर भी बाहर है, ब्रो की जैकेट पहनी, ब्रो 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 की जैकेट पहनी। तुम क्यों नहीं पहन रही ब्रो जैकेट? पहनो ब्रो, मेरा कुछ नया सीखा है। जहाँ से हम लोग कुछ नया सीखते हैं, हम लोग आप लोगों के सामने जरूर बताते हैं। पुराना है लेकिन मतलब हम लोग देखते हैं। मकासा उलट पुलट में लगा है, वो हमने बंद कर दिया है क्योंकि शैतानी उसकी खत्म नहीं हो रही, बहुत बदमाशी कर रहा था। देखो उसने मुझे कितना नोच लिया यार, हाथ पे कट्टू हो गया है वो। नाम हमने जब से वो काटता है तो हमने उसका नाम कट्टू रख दिया है, और अपनी बॉडी को जब वो चाटता है तो हम उसका नाम लगते हैं चट्टू। तो चट्टू और कट्टू नाम है इसका, और मकासा भी नाम है, और एक मुस्लिम नेम है मकसूद। नाम जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आपको बता देंगे। हमारे पापा ने इसका नाम रखा है, बाबर बिल्ला, लेकिन मैं बोलती हूँ बाबर बिल्ला। मिलने के लिए अम्मी भी नाम रखेंगे आज। क्या नाम है अम्मी रखना चाहिए? मक्को। अम्मी बोलती मक्को, तो मक्को भी कुछ लोग बोलते हैं। कितने लोग हर नाम से बुलाते हैं यार। अब वहाँ जब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखते हैं लोग किस नाम से बुलाते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं पटना, और हम लोग आए हैं अपने मामा के घर, तो जिसका आपको बेट था मैंने बता दिया कि हम लोग आए हैं पटना। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है, जो भी होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी चलो हम चलते हैं पहले घर पे। मच लेटर। तो गाइस मैं आपको बहुत
बहुत देर बाद मिल रही हूँ। मैं यहाँ आ तो गई थी पटना, लेकिन नींद आ गई हम लोग को, सो गए हम लोग, सोने में व्यस्त थे हम लोग, तो हमने ब्लॉग नहीं कर पाए। हम शॉपिंग कर रहे थे और समरीन ने पता नहीं कुछ चुरा लिया तो उसको पकड़ लिया था, कुछ भी बोलती आ रही है। ये शॉपिंग करके ला रही थी तो इसलिए ना वो मॉल में वो बजने लगा कुछ की चुरा लिया। तो ये जैसी इसकी हरकत है तो ये दिखाई देती कहीं भी आके ये है। तो अभी आज वुमेन्स डे है, तो हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को, जितनी गर्ल्स है सबको। यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर आ रहा होगा, हम लोग केक लेने जा रहे हैं, सब केक लेने जा रहे हैं हम लोग, घर में सबको सरप्राइज देंगे। अभी चलो सबसे पूछते हैं कि किसको कितनी भूख लगी है, बताओ भूख लगी है? भूख तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि कोई अच्छा सा चीज मिलेगा तो मैं बुक कर लूंगा। भूख लगी है? वुमेन्स डे है तो हम लोग अपने घर की सारी वुमेन्स के लिए केक लेकर आए हैं। तो चलो अभी केक कटिंग करते हैं और सबको बहुत ही अच्छा लगा। ये यहाँ पे अपना बर्थडे पहले ही कर रही है।